निगोहा पुलिस ने जालसाज शिक्षक को दबोचा। राजधानी लखनऊ में धोखाधड़ी का जमीन दिलाए जाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने वाले जालसाज शिक्षक को निगोहा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में आरोपी शिक्षक पर कोर्ट से NBW का वारंट था। निगोहा पुलिस के अनुसार मऊ जिले के सैमराजपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर सुरेश भारद्वाज द्वारा निगोहा थाने पर बीते माह मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप था कि 5 जनवरी 2022 को निगोहा शेरपुर लवल निवासी शिक्षक देवानंद शुक्ला ने अपने बेटे शिवम शुक्ला के साथ मिलकर अहिमामू स्थित उनके ऑफिस आकर 50 बीघा भूमि दिलाए जाने का हवाला दिया और कहा कि जमीन का पैसा उसने किसानों को दे रखा है। जमीन नेशनल हाईवे से सटी हुई है। इस बात पर विश्वास करके सुरेश जमीन को देखने गया। जब किसानों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो देवानंद शुक्ला व शिवम शुक्ला ने किसानों से मिलाने से मना कर दिया। कहा कि जमीन को वह लोग मैनेज किए हैं, आपको दिलवा देंगे। इस पर देवानंद ने मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग भी दिखाया, जिसमें किसानों के नाम और रकबा लिखे हुए थे, जो बिना किसान की मर्जी से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर रखे थे। इस पर सुरेश विश्वास कर लिए और लगभग 50 लाख रुपए दिए। वहीं कुछ दिन बाद जब सुरेश और उनका पार्टनर अनिल पासवान जमीन पर पहुंचकर पूछताछ की तो धोखाधड़ी की जानकारी हुई, जहां किसानों ने जमीन का कोई भी सौदा नहीं करने की जानकारी दी। इस पर पीड़ित सुरेश ने देवानंद और उसके बेटे शिवम से अपने पैसे वापस मांगे तो दोनों ने धमकी दी कि पैसा वापस नहीं मिलेगा, तुमको जो करना हो कर लो। जिसके बाद पीड़ित ने निगोहा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मामले में फरार आरोपी शिक्षक पर कोर्ट से NBW का वारंट था, जिसे मंगलवार को बजरावा थाना क्षेत्र के सुदौली स्थित एक कॉलेज से गिरफ्तार किया गया।